शुरुआत में हर नई चीज नामुमकिन लगती है। एयरप्लेन के इन्वेंशन से पहले क्या हमने सोचा था कि इंसान किसी दिन हवा में उड़ पाएगा? फिर चाहे मीलों दूर होने के बावजूद हमें एक दूसरे से जुड़े रखने वाला टेलीफोन ही क्यों ना, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन। I truly believe science has no limit. So you mean to say that इस प्रोसेस में डोनर एक आदमी होगा, रिसीवर दूसरी औरत, और गोद में पालने वाली माँ कोई और होगी? क्या ये सच में मुमकिन होगा? Of course मुमकिन है। और अगर ये रिसर्च कामयाब हुई तो mark my words, किसी भी माँ बाप को बिना औलाद के नहीं जीना पड़ेगा। लेकिन सर, उस बच्चे में तो उस तीसरी औरत का खून होगा ना? Then what about the bloodline? Bloodline? Dr. Pillai, इतिहास गवाह है, सगे भाइयों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। बेटे ने बाप को तख्त के खातिर कैद किया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका अपना खून परिवार की परंपरा का पालन करेगा या फिर उसे समाज में एक अच्छा इंसान बनाएगा। मैं हूं डॉक्टर रॉय जमनादास। ये आश्रम मेरा नहीं है, लेकिन बचपन से यही मेरा घर रहा है, और वो है जॉय, जॉय जमनादास। मैं और जॉय हमारे बैच के सबसे अनलक्की बच्चे थे, कभी अडॉप्ट नहीं हुए। खैर, अब इस आश्रम और इन अनाथ बच्चों की देखरेख हम लोग मिलकर करते हैं। रॉय, ए जॉय, तेरा यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस कैसा रहा? वही पुरानी बात है। क्या बात, तुम बड़ा खुश लग रहा है। मिस्टर एंड मिसेस शेरॉय और देव चौहान ए स्क्वायर बी स्क्वायर को गोद लेने के लिए तैयार हो गए। बहुत ग्रेट न्यूज़ जॉय, ये दोनों जुड़वा ए स्क्वायर, ये दोनों भी जुड़वा बी स्क्वायर। कुछ दिन पहले कोई इन्हें आश्रम के गेट पर छोड़ कर गया था, लेकिन अब खुशखबरी ये है कि इन बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए हमें दो बहुत ही अच्छे परिवार मिल गए। लेकिन फिर मुझे एक आइडिया है कि सिर्फ यही बच्चे थे जो दुनिया के सामने मेरी थ्योरी को प्रूफ करने का जरिया बन सकते थे। ये तो क्या कह रहे रॉय, अभी से ये दोनों बैंगलोर में सगे भाई की तरह रहेंगे और ये दोनों ऊटी में सगे भाई की तरह। तू जुड़वा भाइयों को अलग कर रहा है, कहीं तेरी उस थ्योरी का तो चक्कर नहीं है? ये गलत है रॉय। जॉय, जॉय एक मिनट मेरी बात तो सुन प्लीज। जॉय, एक खून के न होते हुए जब वो एक ही परिवार में बड़े होंगे, सगे भाइयों से ज्यादा एक दूसरे से प्यार करेंगे, काबिल होंगे, होनहार होंगे, तब दुनिया को मेरी बात समझ आएगी कि मायने खून के नहीं, सिर्फ और सिर्फ परवरिश के होते हैं। तू फिक्र मत कर, मैं उन पर खुद नजर रखूंगा, और जैसे ही वो लोग 28-30 साल के होंगे मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। और जब 30 साल बाद उनको पता चलेगा कि तूने उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया है तो क्या गुजरेगी उन पर? तो फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। अब क्या सोच रहा है? यही कि 30 साल बाद तू होगा भी या नहीं। देखा क्या कह रहा है, पहली जोड़ी को गोद लिया मिस्टर एंड मिसेस शेरॉय ने, जो बैंगलोर के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और दूसरी जोड़ी को गोद लिया देव चौहान। जोड़ी में खुद का सर्कस चलाते थे और मेरे पुराने पेशेंट भी थे। लेकिन कमाल तो अब हुआ, हम दोनों को माँ बाप बनने की खुशी आप दोनों की वजह से मिली है, इसीलिए इन दोनों के नाम आप दोनों के नाम पर रखेंगे, रॉय और जॉय। रॉय और जॉय, देखते देखते 7 साल बीत गए। बच्चे भी अपने नए घरों में बहुत खुश थे। मैं उनसे रेगुलरली मिलता रहा, अपनी केस स्टडी को और भी स्ट्रांग बनाता रहा। लेकिन फिर एक दिन असर नहीं हुआ। लेकिन ठीक 2 मिनट पहले बैंगलोर वाले रॉय के साथ क्या हुआ, जरा वो भी देख लीजिए। सो बेटा रॉय, जब तुमने उस तार को छुआ तुम्हें बिल्कुल कोई इलेक्ट्रिक करंट महसूस नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कहूं डॉक्टर साहब, हम सब हैरान हैं। कब हुआ ये? कल दोपहर करीब 2 बजे। 2 बजे? हाँ ठीक 2 बजे। पहले मुझे लगा ये शरारत कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे छुआ ऐसा करंट लगा मानो 440 वोल्ट हो, बिजली दौड़ रही थी इसके अंदर। बेटा तुम्हें कुछ याद है रॉय? मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये क्या हो रहा है मेरे रॉय के साथ? मिरेकल, एक रॉय पर लगने वाली इलेक्ट्रिक करंट का असर दूसरे रॉय पर दिख रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? और क्या कहेंगे इसे?
कुदरत का करिश्मा और क्या। बट बोथ द रॉयल्स आर ट्रूली स्पेशल जॉय। देव और उसकी पत्नी एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे। उसी वक्त रॉय और जॉय ने सर्कस की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने का फैसला लिया। सर्कस का फिनाले एक्ट बनाया, लेकिन वो अब तक इस बात से बेखबर था कि बहुत जल्द ऊटी में लोग उसे इलेक्ट्रिक मैन के नाम से जानने लगेंगे। कमाल कर दिया, लेकिन ठीक 2 मिनट पहले बैंगलोर वाले रॉय के साथ क्या हुआ वो भी देख लेते। अरे रॉय, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। ये रही कर्नल विक्रांत की लेटेस्ट थ्रिलर नोवेल की पहली कॉपी तुम्हारे लिए। थैंक यू एनी। अरे पागल है क्या, मुझे शौक नहीं चाहिए। इट्स ओके एनी, हर बार थोड़ा झटका मारते हैं। रेड बत पहनना, देखा ना क्या हुआ, तेरी बेवत के झटकों ने ना पूरी की पूरी लाइब्रेरी हिला दी।
और वो बेचारी यानी, अरे यार मैंने जेन्युइनली सॉरी बोला उसको। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि कर्नल विक्रांत की नई नॉवल की पहली कॉपी एक बार फिर मुझे मिल गई। तुझे पता है मेरा ड्रीम क्या है? कि एक दिन मैं कर्नल विक्रांत से मिलूं और कर्नल विक्रांत जैसे काल्पनिक नाम का सहारा लिया, मगर अब नॉवल हो गई हिट और कर्नल विक्रांत हो गए फेमस। लेकिन इत्तेफाक तो देखिए, माला का देवर ही उसका सबसे बड़ा फैन था। माला, देखो तुमसे मिलने कौन है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे बस बेटा खुश रहो। कैसे हो आप अंकल? गुड गुड। कैसी चल रही है राइटिंग? बहुत अच्छी। आज ही मेरी नई नॉवल मार्केट में आई है। और तो और पूरी 1000 कॉपीज बिक चुकी है। भाई वाह। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। खाना तैयार है, आइए ना। हम भी फ्रेश होकर आते हैं। ठीक आए। अंकल आपको याद है ना आज रॉय से बात करनी है। हां बेटा। कल चार रोटी खाएगा और ले ले। नहीं चाची, वो मैं टाइट पे हूं ना। भाई रॉय, तुम्हारी और माला की शादी की 5वीं सालगिरह है। क्या सोचा, क्या गिफ्ट दोगे? मैं सोच रहा हूँ वो प्रॉब्लम भी तुम्हारी माला ने सॉल्व कर दी है। अच्छा? हाँ, वो चाहती है तुम दोनों मेरे साथ बैंगलोर चलो, जमुना दास अनाथ आश्रम। तो ये बात है। आई एम सॉरी पर मैं बच्चा गोद नहीं लेना चाहता। लेकिन रॉय, मैं बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। माला, सब ठीक ही तो चल रहा है, तुम्हारे नॉवेल्स, हमारा सर्कस, फिर बार बार ये जिद क्यों? तुम अच्छी तरह से जानते हो क्यों। माला, माला बेटा, तुम माला की बात मान क्यों नहीं लेते हैं? अंकल मेरा ये मानना है कि इंसान का चरित्र उसके अपने खून से बनता है। अब मुझे और जॉय को ही ले लो। बाबूजी जो सर्कस छोड़ गए, जॉय और मैंने दिन रात देख करके मेहनत से, लगन से, कष्ट से के उस सर्कस के कारोबार को दुगना किया, तिगना किया। बाबूजी के शहर में जो इज्जत थी उसे आज तक बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि हमारा खून एक है। अब मैं एक गोद लिए हुए बच्चे से ऐसी सच्चाई की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? वो तो किसी और का खून है। मैं कैसे मान लू कि वो मेरे सपनों को भी उसी तरीके से देखेगा जिस तरह मैंने अपने बाबूजी के सपनों को देखा था? आप डॉक्टर हैं, सोच रहे होंगे ये कैसी बातें करता है, पर मेरा तो यही मानना है, अपना खून आखिर अपना होता है। चलो ये सब बाद में बात करेंगे, पहले जाके उसे मनाओ, समझाओ। फिलहाल ये नहीं जानता, लेकिन बहुत जल्द जान जाएगा कि रिश्ता खून से नहीं पर वो रिश्ते बनता है। मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रही हो? तुम जानती हो मुझे तुम्हारे साथ लड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम अच्छी तरह से जानते हो, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, मैं कभी मां नहीं बन सकती। हम मां बाप नहीं बन सकते ना सही। दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी औलाद नहीं है, वो भी तो खुश है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ रॉय। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम भी तो जानते हो कि मैं बिना सोचे समझे ऐसी जिद नहीं करूंगी। बस एक बार मेरे साथ ऑर्फनेज चलो, उन बच्चों को देखकर तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, बस एक बार। ठीक है, हम एनिवर्सरी वाले दिन जमुना दास ऑर्फनेज जाएंगे। बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं। आया बस। देखा कैसे झट से वादा कर दिया।
अब वो वादा निभाएगा या नहीं ये पता नहीं। वैसे वो बैंगलोर वाला रॉय भी इससे ज्यादा कुछ अलग नहीं है। बिंदु से मिलने का वादा कर दिया लेकिन हमेशा की तरह लेट। सॉरी आप लोगों को बिंदु से मिलवाया नहीं है, है ना? अभी मिलवाता हूँ। म्यूजिक करूं। What you do, what you not do, that's why हम हमारे मैनेजर प्रेम